हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इम्प्रूव नॉलेज। गाइज, आज हम सीखते हैं कि आधार को यूज करके हम अपना यूएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कैसे निकालें। तो दोस्तों, बिना कोई बात किए सीधा डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पर टाइप करना है EPFO। इसके बाद ये EPFO की मेन पोर्टल है, इसको खोल लेना है। और यहाँ पर फॉर एम्प्लॉयज पे क्लिक करना है। और ये सेकंड वाले मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस, इस पे क्लिक करना है। देन नो योर यूएन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर कोई सा भी 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको एंटर कर देना है। आप अपना ही मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं, किसी और का भी मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो मोबाइल नंबर आपके पीएफ अकाउंट से लिंक है या रजिस्टर है, तो आप कोई सा भी मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं। तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। जैसे ही दोस्तों आप रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करते हैं, तो आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आती है। आप उस ओटीपी को फिल कर दें और ये कैप्चा को फिर से डालें। उसके बाद दोस्तों, आधार में जिस तरह का आपका नाम लिखा हुआ है, सेम टू सेम आप वो टाइप कर दें। याद रहे दोस्तों, कुछ भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका यूएन शो नहीं करेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालें, उसके बाद आधार नंबर डालें। एक बार आप फिर से मिला लें आधार से कि कोई भी अक्षर, कोई भी डिजिट मिसमैच हो रहा है क्या। मिला लेने के बाद आप जैसे ही शो माई यूएन पे क्लिक करते हैं, तो आपकी यूएन शो हो जाएगी। आप इसको लिख लें या इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये था दोस्तों ट्रिक्स कि आपको अगर अपने पीएफ अकाउंट की यूएन पता नहीं है, तो आप इस ट्रिक को यूज करके अपना यूएन जान सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।